हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीवी एप्रन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 4 मीडियम साइज़ के आलू, टमाटो प्यूरी और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ऑयल फॉर कुकिंग। और मसालों में हमें चाहिए ड्राई मसाले, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, नमक फॉर टेस्ट और हल्दी। और हम इसमें कलर के लिए यूज़ करें कश्मीरी मिर्च पाउडर, और लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे हम 2-3 टेबलस्पून ऑफ तेल को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा थोड़ा सा सौटे हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी हम थोड़ा सा पका लेते हैं इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट सोटे हो गया है तो अब हम इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर। हल्दी को हम थोड़ा सा पका लेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और नमक स्वाद अनुसार, जितना आप टेस्ट लगता है उतना आप डालें। और आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे किचन किंग पाउडर और फिर धनिया पाउडर। इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस गैस का फ्लेम जो है हम लो मीडियम रखेंगे कि मसाले जो हैं वो जल ना जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जस्ट फॉर अ कलर, सिर्फ कलर देने के लिए। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। टोमेटो को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर दें। अब हम जो है गैस का फ्लेम है हाई पे कर देंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता इनमें। इस टमाटरों में अब उबाल आ गया है तो हम थोड़ा इसको सॉटे कर लेते हैं इसे। हम गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। उनको हम थोड़ी देर 2-3 मिनट आप पकने दें। ये देखिए 2-3 में अब टमाटर पक के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। आलूओं को मैंने रफली काट लिया है। आप जैसे मजे को बड़े आलू पसंद है तो बड़े उसमें काट सकते हैं। मैंने छोटे बड़े मिक्सअप काट लिया है तो अब हम इसमें आलूओं को टमाटर के मिक्सचर में डाल देते हैं। थोड़ी देर हम आलूओं को इसी में पकने देंगे, मिक्स हो जाए अच्छे से मसाला जो आलू में मिक्स हो जाए अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे कि पानी में उबाल आ जाए। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और पानी इसमें आधा गिलास अभी ऐड कर देती हूँ।
इसको अच्छे से मिक्स कर दें और एक उबाल आने तक की वेट करें। ये देखिए अब सब्जी में उबाल आ गया है। अब हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट ढक कर पकाएंगे ताकि आलू के अंदर सारा जो मसाले हैं वो मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखिए अब हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए आप, और कलर भी कितना है प्यारा आया है। अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला और फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी, मिक्स कर लेते हैं। देखो कितनी ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी ये रेसिपी, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।